देखो, जो ये वैक्सीन है बच्चों के लिए, कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक की, यदि जी डी परमिशन है गवर्नमेंट वालों ऑलरेडी अप्रूव करता कि बच्चों से इनू ट्राई कर सकते हैं एज ए ट्रायल। तो उस ट्रायल में उन्होंने कई सेंटर चूज़ किए हैं इंडिया के, वो उन्होंने एक लैटर DMC भी आई सी। अब अगर उनको लगा कि ये सेंटर में उनको ज़्यादा इनरोलमेंट की जरूरत है या कोई और सेंटर नॉर्थ में चाहिए, तो पॉसिबल है कि वो DMC लैके इन्हों अप्रूव कर सकते। तीन ग्रुपां च वंडिया, 2 तो 6 साल, 6 तो 12 और 12 तो 18 साल दे। क्योंकि अगर आप देखिए कि स्कूल अगर जल्दी खोलने शुरू करने चाहिए, तो उसमें जो 12 साल के उपर वाले बच्चे हैं उन्होंने पहला वैक्सीन होनी चाहिए है। जेडे उस तो इंटरमीडिएट हैं, जेडे प्राइमरी स्कूल जो खोलना चाहन, बिकॉज एजुकेशन भी तो उन्नी इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो बच्चों को टारगेट किया जाएगा। पहली वेव और सैकेंड वेव में बच्चों में इतनी ज़्यादा नहीं आई, नो डाउट कि जब इतनी ज़्यादा तादाद में पापूलेशन इन्वॉल्व होती है तो 1% फिर बच्चे भी है वो तो भी दूर नहीं रह सकते, क्योंकि स्ट्रेन इदा की हैगी है। उसकी तादाद प्रेजेंटेशन होती है जिदे पेट खराब होना, बुखार होना, कोई धब्बे हो जाने, एकदम बच्चा कलैप्स कर जाता है, ब्लड प्रेशर 4 तो 6 हफ्ते पेट खराब हो गया, थोड़ी खांसी है, बुखार हो रहा है, तो बच्चे इमीजिएटली बच्चों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि रेंदे टाइम पर जो इलाज तो डायग्नोसिस छेती हो जाता है तो आलमोस्ट 95% तो ज़्यादा क्योर है। तो जे अगर बच्चों पर ट्रायल होंगे तो किस तरीके की जी वैक्सीन जी आने की संभावना है, कि जो किस तरीके जो बच्चों मोड की होएगा, किमें लगाई जाएगी? कई कंट्रियों च नेजल स्प्रे भी हो रही है, भारत बायोटेक भी नेजल स्प्रे वाला कर रहा है, एक आम जी अपनी इंट्रामस्कुलर वो भी कर रही है। सो बच्चों की किन्नी डोजिंग है, किन्नी सेफ है, वो तो लगा के देख लेंगे। ट्रायल देखो जरूरी है, मनुखता की जी साइंस है जी एडवांसमेंट से ट्रायल तो बिना कुछ नहीं होंगे। असं अडल्ट भी करते हैं, असं खुद भी लगवाने, कई लोगों की असं ट्रायल जाने। ट्रायल डिफरेंट टाइप दोगों कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भी एक्सपेरीमेंट हो रहा है, क्योंकि एक्सपेरीमेंट होंगे एनीमल्स से, जो पहले एनीमल्स से होंगे फिर उन्होंने डाटा एनालाइज करते हैं, फिर अडल्ट की वो सेफ्टी देखते हैं, जी कि पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सो यदा एक पार्ट हैगा जिहड़ा कि ट्रायल के थ्रू हो जाएगा, तो जे सक्सैसफुल हो जाता तो फिर ये सारे बच्चों को दिता जाएगा। 95% तो ज़्यादा सक्सैस होंगी है, तो बच्चों से तो आलमोस्ट सारे रिकवर हो जाते हैं। आप देखिए कोविड आप जो भी स्पैकुलेशनस करते हैं कई बार गलत भी होंगे, ज़्यादातर गलत ही होंगे ने। सो ये है कि पापूलेशन बच्चों की बहुत ज़्यादा है, वो सोचा जा रहा है कि जो स्कूलों जाएंगे बच्चे इंटरमिंगलिंग होएगी, इन्फेक्शन होएगी, तो नैचुरल एक वायरस है, तो यह पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि कोविड एक इन्ना ज़्यादा हुआ बन गया तो वो सारे ने उन्होंने जो बच्चों की इनवॉल्वमेंट लिता तो वह डर ज़्यादा पै गया। ना ही इस तरह का कोई स्पेसिफिक एविडेंस है कि कोविड थर्ड लेयर आएगी कि नहीं आएगी, जे आएगी तो बच्चों को इनवॉल्व करेगी। सो देर इज़ नो स्ट्रोंग एविडेंस फॉर दिस कि कोविड तो बाद लंग्स के इनवॉल्वमेंट आ जाती है, कुछ आ जाता है तो पेशेंट लिंगर ऑन करते रहते हैं, वापस आते हैं साढ़े को, क्लॉट की कॉम्प्लीकेशन लाते हैं। ये एक हाइपर इम्यून रिस्पोंस होंगे बच्चों, वो 4 तो 6 हफ्ते जो प्राइमरी कोविड हो गया तो नहीं डिटेक्ट होया तो 4 तो 6 हफ्तों बाद बच्चे एकदम पेट च कोई दर्द, उल्टियाँ, जी कच उल्टी आनी शुरू हो जाती है, खांसी होनी शुरू होती है, बुखार होना है, जो ये स्टेज आती है तो यह हाइपर इम्यून रिस्पोंस हैगा जिहड़ा कि बहुत ईजीली ट्रीटेबल है। पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी तो अपने बाकी अपनी जी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैगी ऑलरेडी उन्होंने सारिया चीज़ा ऑलरेडी सारे ट्रेनिंग देनी शुरू करती है कि तुसी उन्हें पिकअप किदा करना है। ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, सो जे अर्ली स्टेज दे विच आ जांदा तो आलमोस्ट सारे जने रिकवर होने के चांसिज बहुत ज़्यादा ने। बट ये चीज़ों का जरूर ध्यान रखो कि जिते बहुत भीड़ है, जिते 20-25 बच्चे हैं, कोई बुखार है या इस तरह की सिचुएशन है, ओवर क्राउडिंग च ना उन्होंने लैके जाओ। आपां इन्ना हले भी अपना एक्सैप्टेबिलिटी नहीं हमारे कल्चर में, आप सारे बच्चों नूं कह दिया कि मास्क पा के रखन, है ना, घर दे विच पॉसीबल नहीं। हाँ स्कूल च जांदे आ जां ओवर क्राउडिंग प्लेस ते जांदे आ तां मास्क बारे उन्हां नूं प्रमोट कर सकदे हो। छोटे बच्चों नूं आपां मास्क भी नहीं पा सकते, क्योंकि छोटे बच्चों नूं मास्क पावांगे तां उन्हां दे कंट्रोल च नहीं हुंदा कि रेस्पीरेशन होएगी, कोई प्रॉब्लम होर ना आवे। ਸਤਿ
ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ DMC ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਜੀ। ਸਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇ DMC ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲੀਏ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ ਏ ਟਰਾਇਲ। ਤੋ ਉਸ ਟਰਾਇਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਏ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ DMC ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ। ਤੋ DMC ਨੇ ਉਸਮੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਟ ਆਫ ਲੈਟਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਜੋ ਉਨਕੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਨਕੋ ਚਾਹੀਏ, ਵੋ ਹਮਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਅਗਰ ਉਨਕੋ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੌਰਥ ਮੇਂ ਚਾਹੀਏ, ਤੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ DMC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਸਨੂੰ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, 3 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ, 6 ਤੋਂ 12, ਔਰ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ, 3 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਉਸਮੇ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਰਿਟੀ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਅਭੀ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਮੈਂ ਬੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਬ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਮੈਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1% ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਲਟੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਦਾ, MIS ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਧੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਕਦਮ ਬੱਚਾ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ DMC 'ਚ ਅਡਲਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ, ਟੋਟਲ 30-40 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਓਰ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਰ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੀ ਨੇਜ਼ਲ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਾਮਸਕੂਲਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰਾਇਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ
ज़्यादा लोगों वास्ते होंगी है तो कुछ लोगों एज ए वॉलंटियर उन्होंने ट्रीट करते हैं। एज सच यह ड्रग सेफ है क्योंकि आप अडल्ट देख चुके कि यह बहुत सेफ है। सो बच्चों की किन्नी डोजिंग है किन्नी सेफ है वह तो लगा के देख लेंगे तो उसनों जोड़ा नैक्सट स्टैप है उन्होंने बाकी जो है बाकी जनसंख्या जी बच्चों की उस पर लागू कर सकते। सर ट्रायल वास्ते बच्चों चूज किमें किया जाएगा किस तरीके जो सोचा जाएगा कि बच्चों कि बच्चों जी उन्होंने जो वैक्सीन का जो ट्रायल किया जाएगा। देखो ये है कि कोई भी चीज़ है कोई भी अपनी ट्रायल होंगी है ट्रायल देखो जरूरी है मनुखता की जी साइंस है जी उसकी एडवांसमेंट ट्रायल तो बिना कुछ नहीं होंगे। असं अडल्ट भी करते हैं असं खुद भी लगवाने कई लोगों की असं ट्रायल जाने वो जब तक उसमें देखते हैं कि हेल्दी है एक तो दूसरा उसको पहले कोविड हुआ है कि नहीं हुआ वो एंटीबॉडीज है या नहीं है दो चीज़ा सब तो इंपॉर्टेंट है जी कंसेंट है ना बच्चों की कंसेंट उन्होंने पेरेंट्स देंगे ने जो 18 साल तो घट है उन्होंने कंसेंट का होना लाजमी है तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो जो ये तीनों चारों पॉइंट्स हो जाते हैं तो उन्होंने इनरोलमेंट की जाती है तो वो भी हर एक चीज़ के अपने अपने डिवाइस है जिहड़ियां ट्रायल दी डिफरेंट टाइप दी होंदियां लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भी एक्सपैरीमेंट हो रहा है क्योंकि एक्सपैरीमेंट होंदा एनीमल्स से जो पहले एनीमल्स से होंदा फिर उन्हों का डाटा एनालाइज करते हैं फिर अडल्ट की वो सेफ्टी देखते हैं जी कि पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये तो एक तरह की ऑब्जरवेशन ये करके देखनी हैगी कि बच्चों जी है असं ज़्यादा जिदा मैं थोड़ा दसिया कि सारी पापूलेशन ये वास्ते एनरोल कर सकते हैं कि नहीं। सो यह एक पार्ट हैगा जोड़ा कि ट्रायल के थ्रू हो जाएगा तो जो सक्सैसफुल हो जाता है तो फिर ये सारे बच्चों दिता जाएगा। और सर बिल्कुल यही तो जी है हर किसी बड़ी राहत वाली खबर है कि हम बच्चों के भी जो वैक्सीन के ट्रायल में लैके हम जबर आनी शुरू हो गई ने जी शुरुआत वो की जा चुकी है। तो सर हूँ तक जो गल की जाए तीजी लहर को लैके लगातार चर्चा हो रही है लोगों के मन के बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया कि हो सकता है तीजी लहर के यही होना है करोना जो है जो कोविड है वो बच्चों से ही हावी होगा। तुम किस तरीके देखते हो इस कि लोगों जो है कि मैसेज देना चाहोगे कि करोना असल कि इदा कुछ होने वाला है या किस तरीके देखते हो सर? देखो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हाइप हो गया वो कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए हैं बिल्कुल डरन वाली गल नहीं जिदा कि मैं थोड़ा अडल्ट कोविड भी हमेशा कहना 95% तो ज़्यादा सक्सैस होंगी है तो बच्चों तो आलमोस्ट सारे रिकवर हो जाते हैं। पर यह कारण क्यों ये लोगों ने कहना शुरू करता कि बच्चों ज़्यादा होएगा कि स्ट्रेन करके है जो कोई साइंटिफिक एविडेंस है ये सारिया स्पैकूलेशन है आप देखिए कोविड आप जो भी स्पैकूलेशन करते हैं कई बार गलत भी होंगे ज़्यादातर गलत ही होंगे ने। सो ये है कि पापूलेशन बच्चों की बहुत ज़्यादा वो सोचा जा रहा है कि जो स्कूलों जाएंगे बच्चे इंटरमिंगलिंग होएगी इन्फेक्शन होएगी तो नैचुरल एक वायरस है आप वैसे भी देखा होगा तुम जो एक स्कूल एक दो बच्चों क्लास के खांसी जुकाम हो जाता है सारी क्लास ही हो जाता है आप मीजल्स बारे भी सोचा छोटी माता बारे भी देखा। सो ये चीज़ें अपन ऑलरेडी पता है सो यदा पार्ट एंड पार्सल है क्योंकि कोविड एक इन्ना ज़्यादा होगा बन गया तो वो सारे ने उन्होंने जो बच्चों की इनवॉल्वमेंट लिता तो वह डर ज़्यादा पै गया। सो इसलिए इन्ना डरन की कोई जरूरत ये नहीं है ना ही इस तरह का कोई स्पैसीफिक एविडेंस है कि कोविड थर्ड लेयर आएगी कि नहीं आएगी जे आएगी तो बच्चों इनवॉल्व करेगी। सो देर इज नो स्ट्रोंग एविडेंस फॉर दिस। तीजी लहर की गल होंगी बिल्कुल बच्चों की भी गल होगी कि बच्चों ने क्योंकि लोगों ने जो है लॉजिकली जो है सोचना शुरू कर दिता या किसी वालों भी जिसके वालों भी सोचा जा रहा है। पर सर पहली तो दूजी लहर की जो गल करिए पहली तो दूजी लहर के करोना ने बच्चों पर किस तरीके जोड़ा है अटैक किया है किस हद तक जोड़े बच्चे प्रभावित हुए हैं? देखो कोविड में दोनों लहरों में जो नो डाउट कि बच्चे इनवॉल्व होंगे देखो घर में है जो एक इन्फेक्शन है तो दूसरे को होएगी होगी इनएविटेबल है पर ज़्यादातर बच्चे जिन्हें प्राइमरी होए जिन्हें मतलब पहला कोविड लैके दो तरह की प्रेजेंटेशन है एक तो उन्होंने बुखार खांसी होया एक पेरेंट्स में होया उन्होंने दो तीन दिन बाद बुखार हो गया तो उन्होंने भी वह टेस्ट कराया कोविड पैदा हो गया आलमोस्ट सारे बच्चे वो रिकवर हो गए हैं सारे आलमोस्ट। दूसरा वह है कुछ बच्चों खास चीज़ है जिदा बुढ़िया बजुर्गों आप कहने कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम है बड़े के कहने ज अडल्ट कहने कि कोविड तो बाद लंग्स के इनवॉल्वमेंट आ जाती है कुछ आ जाता है तो पेशेंट लिंगर ऑन करते रहते हैं वापस आते हैं साढ़े को क्लॉट की कॉम्प्लीकेशन लाते हैं इदा ही बच्चे जिदा मैं थोड़ा ऑलरेडी दसिया ये एक हाइपर इम्यून रिस्पोंस होंगे बच्चों वो 4 to 6 हफ्ते जो प्राइमरी कोविड हो गया तो नहीं डिटेक्ट होया तो 4 to 6 हफ्तों बाद बच्चे एकदम पेट च कोई दर्द उल्टियाँ जी कच उल्टी आनी शुरू हो जाती है खांसी होनी शुरू होती है बुखार होना है कोई रैश होने शुरू होते अखों से रैश होने शुरू होते लाल दे इस तरह के जो अपने कि तब्बे पैने होने शुरू हो जाते हैं जो ये स्टेज आती है तो यह हाइपर इम्यून रिस्पोंस हैगा जिहड़ा कि बहुत ईजीली ट्रीटेबल है बट सिर्फ वो है कि लोगों इसकी जानकारी होनी चाहिए है पेरेंट्स ये बारे एंड सतर्क रहने चाहिए है भी जो चीज़ है तो अपने बच्चों के कोल डॉक्टर को जाओ। पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी तो अपने बाकी अपनी जी मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ हैगी ऑलरेडी उन्होंने सारिया चीज़ा ऑलरेडी सारे ट्रेनिंग देनी शुरू करती है
कि तुसी उन्हें पिकअप किदा करना है, वो अपने अपने प्रोटोकॉल बनाते। ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, सो जे अर्ली स्टेज के आ जाते तो आलमोस्ट सारे जने रिकवर होने के चांसिज बहुत ज़्यादा ने। सर बिल्कुल, सब तो अखीरला मेरा सवाल यही होगा कि फिलहाल चलो ये वधिया राहत वाली खबर है कि हुण बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल होगा, तो आने वाले समय के हो सकता है जल्द तो जल्द बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी, तो बच्चों वाला जो ग्रुप है उसनों भी असं जो इस कोरोना तो काफ़ी हद तक बचा लवेंगे। पर फिलहाल इस टाइम पर क्योंकि हले तो वैक्सीन नहीं लग रही है बच्चों, तो इस टाइम के पेरेंट्स जोड़े ने हर एक आम व्यक्ति अपने घर के बच्चों को किमें बचा के जोड़ा रख सकते हैं, किस तरीके जोड़ी कुछ नियमों की पालना करके जोड़ा वो बच्चों इस टाइम के दौरान भी जोड़ा उन्होंने सुरक्षा भी जोड़ी कर सकते हैं। देखो बच्चों वास्ते मैं एक बड़ी इंपोर्टेंट चीज़ पेरेंट्स वास्ते कहूँगी, ओवर प्रोटेक्टेड भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को तुम बिल्कुल बंद करके रख दो, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी से बच्चों की डिवेलपमेंट से भी पट जाता है। बट ये चीज़ों का जरूर ध्यान रखो कि जिते बहुत भीड़ है, जिते भी पच्ची बच्चे हैं, कोई बुखार है ज इस तरह की सिचुएशन है, ओवर क्राउडिंग ना उन्होंने लैके जाओ। आप इन्ना हले भी अपना एक्सैप्टेबिलिटी नहीं हमारे कल्चर में, आप सारे बच्चों कह दिए कि मास्क पा के रखन है ना घर के पॉसीबल नहीं। हाँ स्कूल जाते हैं जवर क्राउडिंग प्लेस से जाते हैं तो मास्क बारे उन्होंने प्रमोट कर सकते हो, बट अंडर सुपरविजन। छोटे बच्चों आप मास्क भी नहीं पा सकते क्योंकि छोटे बच्चों को मास्क पावे तो उन्होंने कंट्रोल च नहीं होंगे कि रेस्पीरेशन होएगी, कोई प्रॉब्लम होर ना आए। सो उन्होंने जोड़े स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ने उन्होंने आप ट्रेन कर सकते हैं मास्क वास्ते, ओवर क्राउडिंग तो बचा के रख सकते हैं। दूसरा उन्होंने नियमित तौर पर जड़ियाँ इस तरह ना करन कि बच्चों को बिल्कुल ओवर प्रोटेक्ट करके घर में ही रखन। उन्होंने कुछ गेम्स जड़ियाँ है चाहे घर के ही है कोई ना कोई गेम्स शुरू करान, कोई एक्टिविटी शुरू करान, क्योंकि बच्चों का एक साल के जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ऑनलाइन क्लासा करके आउटडोर गेम्स ना होन करके ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो पेरेंट्स नूं मेरी तीनों चीज़ें सचेत रहना जरूरी है, ओवर प्रोटेक्टेड ना रहन, ओवर क्राउडिंग ना करन, ते बच्चे नूं होर एक्टिविटीज लगान ताकि उन्हां दी ओवरऑल डिवेलपमेंट रुके ना। बिल्कुल, ये असी गलबात की लुधियाना के DMC के मशहूर डॉक्टर बिशप मोहन जी नाल। बिल्कुल, जिथे एक पासे तीजी लहर नू लेके चर्चा हले तो ही शुरू हो गई है, उत्थे दूजे पासे आम लोगों के जिहड़ा तीजी लहर नू लेके पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो उत्थे ही दूजे पासे भारत बायोटेक वालों जिहड़ा इनिशिएटिव लिता जा चुका है कि हुण जिहड़ा बच्चों ते वैक्सीन ते जिहड़े ट्रायल है उसनू भी लैके जिहड़ी उन्हां वालों शुरुआत की जा चुकी है, तो ये जिहड़ी हर किसी लिए राहत वाली खबर है। पर उत्थे दूजे पासे जद तक जिहड़ा वैक्सीन ट्रायल नहीं शुरू हो जाते, जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तो ठीक उस तरीके जिस तरीके असी हर किसी का जोड़ा अपना उस तो इलावा अपने घर के बुजुर्गों का जोड़ा ख्याल रखते हैं, ठीक उस तरीके बच्चों का भी खास ध्यान रखने की लड़ है। बार बार एक ही गल होंगी है, प्रशासन तो उस ही द सिटी हैडलाइनस की टीम भी थोड़ा यही अपील करता आ रहा है कि जो भी COVID-19 की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ने उसकी सख्ती पालना करो। कैमरामैन बलजिंदर सिंह के नाल मैं कल्पना, वेखते रहो द सिटी हैडलाइनस।